इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ फरजाना। कांग्रेस ने 2019 की लोकसभा चुनाव के लिए सभी तैयारियां शुरू कर दी है। इसी क्रम में जिला अध्यक्ष द्वारा बूथ सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां कांग्रेस के सभी बड़े नेता मौजूद रहे। कांग्रेस ने 2019 की लोकसभा चुनाव की तैयारियां करनी शुरू कर दी है, जिस पर आदर्श नगर जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष हरि किशन जिंदल ने केशवपुरम में बूथ प्रदेश अध्यक्ष सम्मेलन का आयोजन किया, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन, पूर्व मंत्री पीसी चाकू, पूर्व मंत्री मंगत राम सिंघल समेत हारून यूसुफ जैसे बड़े बड़े नेता मौजूद रहे। इस सम्मेलन की कमान पूर्व विधायक हरिशंकर गुप्ता ने संभाली। साथ ही सम्मेलन में त्रिनगर, वजीरपुर, आदर्श नगर, सकूर बस्ती, शालीमार बाग विधानसभा के पूर्व विधायक समेत कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सम्मेलन में खास बात यह रही कि सम्मेलन में स्थानीय लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही सभी विधानसभा ब्लॉक के अध्यक्ष और इंचार्ज बनाए गए और इन्हें जन जन तक अपनी बात पहुंचाकर आने वाले 2019 के चुनाव में कांग्रेस को जिताने का संदेश दिया। कार्यक्रम हमारा शुरू भाई कैमरे के दोस्त को क्या 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 मुद्दे रहेंगे, क्या रफेल मुद्दा भी रहेगा, क्योंकि रफेल को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बीजेपी कह रही है कि बड़ी जल्दी मिलेगी, क्या ये मुद्दा रहेगा? बिल्कुल, रफेल तो बहुत सबसे बड़ा मुद्दा है। रफेल का भ्रष्टाचार तो सब लोग मान रहे हैं, सब लोग मान रहे हैं, कोई ऐसा चैनल नहीं है जो इस बात को ना मान रहा हो, सब लोग मान रहे हैं, तो आज तक भी मान रहे हैं। जब से हमारा देश आजाद हुआ उसी टाइम से ये हमारी परंपरा है कि हर बूथ पे जो भी है वो कार्यकर्ता काम करेगा, क्योंकि वहाँ पर कोई लीडर नहीं काम कर सकता। उसको एक एक गली का पता होता है, एक एक मोहल्ले का पता होता है, एक एक कार्यकर्ता का पता होता है, एक एक वोटर का पता होता है। तो इसलिए ये जो बूथ कमेटीज बनाई जा रही है और उन पर जो कार्यकर्ता बनाए जा रहे हैं वही पार्टी को विजय दिलवाता है। लोकसभा का 2019 का, उसके लिए आदरणीय माकन जी की लीडरशिप में हम लोगों ने बूथ लेवल की तैयारी शुरू करी है और हर बूथ के ऊपर 15-15-20 लोगों का हमारा जो संगठन है उसको हम तैयार कर रहे हैं। हम लोगों ने किताब छपवाई है जो हर बूथ प्रेसिडेंट को हम देंगे और उसके माध्यम से हम जो वहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, जो और हमारी पार्टी के जो सीनियर नेता हैं, जो वहाँ की समस्याएं हैं वो इकट्ठा करके हम उसको पूरे फिर वार्ड वाइज और फिर विधानसभा वाइज का मैनिफेस्टो बनाएंगे और फिर लोकसभा के अंदर जो कमियां हैं बूथ लेवल पर उसको मैनिफेस्टो में डाल करके हम लोगों के बीच में जाएंगे। और जो इन लोगों ने नाकामी रही है, आम आदमी पार्टी ने जो जितने वादे किए थे वो, और उसके अलावा जो बीजेपी ने जो झूठे वादे किए थे उसकी भी हम पोल खोल करके साथ साथ जाएंगे। उनको हम लोगों ने किताब छपवाई है, जो इन लोगों ने वादे किए थे उसको भी हम घर घर लेकर के जाएंगे और लोगों को बताएंगे। इसी तरीके के बूथ लेवल की राजनीति अलग से बाकी पार्टियां भी करेंगे? सर बाकी का नहीं पता, लेकिन कांग्रेस पार्टी का शुरू से इतिहास रहा है और कांग्रेस पार्टी का जो खोया हुआ वोट बैंक था उसको हम वापस लेकर के आएंगे और हम बूथ पर जाकर के हर लोगों को घर घर जाएंगे, हम डोर टू डोर कंपेन करेंगे और डोर टू डोर कंपेन के अंदर ही वहाँ की जो समस्याएं हैं उसको लेकर के हम लोगों के साथ अपना जो तालमेल है हमारा उसको हम रखेंगे। विशेष रूप से झुग्गी झोपड़ियों में, कच्चे कॉलोनियों के अंदर जो कांग्रेस के शासन में जो काम हुआ है माकन जी की लीडरशिप में और शीला दीक्षित जी जब हमारी मुख्यमंत्री थी उन्होंने जो काम किए उसको लेकर के हम घर घर तक जाएंगे।